बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं। व्यूवर्स, अगर आप इस्लामिक बैंकिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बात करूंगा मैं बैंक अल हबीब के इस्लामिक सेविंग अकाउंट की। बैंक अल हबीब कौन कौन से इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स ऑफर कर रहा है और इन अकाउंट्स पर क्या प्रॉफिट रेट है, क्या ये अकाउंट आपके लिए बेहतर है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। तो व्यूअर्स, बैंक अल हबीब ना सिर्फ ये कि कन्वेंशनल बैंकारी करता है बल्कि इस्लामिक बैंकिंग भी कर रहा है और इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। तो अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो इस्लामिक बैंकिंग में इनका रेमिट अकाउंट है, इसके अलावा इस्लामिक इनकम प्लस अकाउंट है, इस्लामिक आर्म फोर्स पेंशनर सेविंग अकाउंट है, इसके अलावा इस्लामिक महाना आमदनी सेविंग अकाउंट है, इस्लामिक अपना इंडिविजुअल अकाउंट है, इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, इस्लामिक सीनियर सिटीज़न अकाउंट भी है, इस्लामिक आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट भी है, इस्लामिक यंग सेवर अकाउंट है जो कि बच्चों के लिए है, और लास्ट अकाउंट है इनका इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट। तो हम एक जनरल जो इनका सेविंग अकाउंट है उसके बारे में बात करते हैं, और दीगर इनके जो सेविंग अकाउंट हैं वो भी तकरीबन सेम ही रिक्वायरमेंट के साथ ओपन करवाए जा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट रेट का है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये शरिया कंप्लाइंट अकाउंट है और इस्लामिक प्रिंसिपल मुदारबा की बेस पर ये वर्क करता है, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इसको बैंक मुख्तलिफ इस्लामिक फंड्स में इन्वेस्ट करता है और उससे जो इनकम हासिल होती है, जो प्रॉफिट हासिल होता है, वो 50-50% के शेयर के हिसाब से बैंक और कस्टमर के बीच में डिवाइड होता है। इस सेविंग अकाउंट पर आपको फ्री ऑनलाइन बैंकिंग मिलती है, फ्री ई स्टेटमेंट्स हैं, फ्री पे पाक डेबिट कार्ड मिलता है, आप ये अकाउंट ज्वाइंटली भी ओपन करवा सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग और SMS अलर्ट की भी फैसिलिटी मिलती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें मिल रही है वो है फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, इस्लामिक इंश्योरेंस जिसको तकाफुल कहते हैं। अगर आप कोई इंडिविजुअल हैं या आप कोई बिजनेसमैन हैं, दोनों सूरतों में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए ओरिजिनल आईडी कार्ड, जॉब कार्ड, जॉब लेटर या सैलरी स्लिप, या इसके अलावा एनी अदर प्रूफ ऑफ इनकम आप शो कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, तो उसके लिए आपको अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड जिसकी वेरीफाई कॉपी भी आपने सबमिट करानी है, अपने बिजनेस का लेटर हेड या कोई आपकी रेजोल्यूशन है तो वो आप उसकी रबर स्टैम्प शो कर सकते हैं, कॉपी ऑफ NTN आपने दिखाना है जो कि अटेस्टेड हो नोटरी पब्लिक से, और अगर आप कोई कंपनी है तो उसका कोई सर्टिफिकेट हो, जो मेंबरशिप है जो ट्रेड बॉडीज़ वगैरह के लिए रिक्वायर्ड होता है वो आपने शो करना है, और अकाउंट ओपनिंग की एक रिक्वेस्ट आपने सबमिट करानी है अपनी कंपनी या अपने उस बिजनेस के लेटर हेड के ऊपर। तो ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। बात करते हैं प्रॉफिट रेट की। अगर हम जुलाई के महीने में देखें, जो लास्ट मंथ प्रॉफिट दिया गया वो था सेविंग अकाउंट के ऊपर 9.25%। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 50,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करते हैं इस इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, तो इस पर जो आपको 9.25% के हिसाब से प्रॉफिट दिया जा रहा है वो है 4,625 रुपये, जिसको डिवाइड किया जाता है फर्दर 12 महीनों से, तो पर मंथ जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 50,000 रुपये पर 385 रुपये। तो बुरा नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इस्लामिक आर्म फोर्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा रेशो से प्रॉफिट दिया जा रहा है, 12.49%। और अगर इस्लामिक वुमेन्स आसान सेविंग अकाउंट आप ओपन करवाते हैं तो उसके ऊपर एक बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट दिया जा रहा है, जो कि जुलाई में दिया गया, 18.75%। इसके अलावा इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट के ऊपर 9.25% प्रॉफिट दिया गया, इस्लामिक डिजिटल सेविंग अकाउंट उस पर भी 9.25% प्रॉफिट पे किया गया, और डिजिटल सेविंग अकाउंट के ऊपर 12.75% के हिसाब से प्रॉफिट दिया गया। फिर इसी तरह अगर आप इस्लामिक आसान रेमिटेंस अकाउंट ओपन अगर करवाते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट दिया गया जुलाई में वो 9.25% दिया गया, यानी 9.25% कम से कम प्रॉफिट पे किया गया इन सेविंग अकाउंट्स पर। और ये प्रॉफिट रेट्स आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, आपको पिछले महीनों के जो प्रॉफिट रेट्स है वो भी कंपेरिजन के लिए मिल जाएंगे। व्यूअर्स, इन प्रॉफिट रेट्स को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, कुछ सेविंग्स हैं, तो उसको घर में रखने के बजाय आप इस्लामिक सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बैंक अल हबीब में, वहाँ पर ये रकम रख सकते हैं और उस पर एक जायज़ और हलाल मुनाफा कमा सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।